बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का टॉपिक लेकर आई हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। आपको याद होगा क्लास नाइन्थ में हमने चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, कितनी तरह के मोशंस होते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड योर वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। तो अब इसमें ट्रांसलेटरी में हमने पढ़े थे, ट्रांसलेटरी के भी 3 टाइप्स थे, दैट इज़ योर लीनियर मोशन, योर रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो वी आर इन दैट कैटेगरी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, दैट इज़ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, याद करें क्या डेफिनेशन थी। सर्कुलर मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन ऑफ अ सर्कुलर पाथ, व्हेन इट इज़ मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, वी कॉल इट टू बी द सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जो टॉपिक लेके यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म कब होगा, when the speed of that body which is in a circular motion is constant, ठीक है। यानी कि अगर वो circular motion में है और एक constant speed से, uniform speed से move कर रही है, then we call that circular motion as uniform circular motion, it is as simple as that, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी examples पे। जैसे ये मैंने बना रखा है earth के around moon जो है वो आप सबको पता है कि जो it moves in a circular path, ठीक है ना, चक्कर लगाता है अर्थ के चारों तरफ। कितने दिन में चक्कर लगाता है हमें सबको पता है, 28-29 डेज फिक्स उसकी वैल्यू, फिक्स टाइम है, ठीक है। तो वी सी दैट कि मून परफॉर्म्स द सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। इसी तरह अर्थ है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, दैट इज़ द सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इस तरह से या आप कोई स्टोन ले लें और उसको धागे से बांधें और उस स्टोन को आप घुमाएँ तो क्या होगा, वो दैट पीस ऑफ स्मॉल स्टोन इज़ ऑल्सो अंडर गोइंग द सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। इस तरह से यू कम अक्रॉस मैनी सर्कुलर मोशंस, एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन अराउंड यू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ भी सर्कुलर मोशन कैसे हो पाता है। तो सबसे पहले तो ये कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, किसी मोशन में है, तो वो इट रिमेन्स टू बी इन द मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ एक्टेड अपॉन सम एक्सटर्नल फोर्स। वो एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगता तब तक वो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहती है। और ये हम इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी होती है ये, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं, और इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, यानी कि जब एक्सटर्नल फोर्स आप चाहे इस पर अगर लगाएं तो यू कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, यहाँ से यहाँ कर लें, यहाँ से यहाँ कर लें, या किसी भी इसको चेंज कर लें इसका डायरेक्शन, इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर लें एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो दीज आर द चेंजेस यू ब्रिंग अबाउट व्हेन यू अप्लाई फोर्स एक्सटर्नली ऑन दैट बॉडी विच इज़ इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो अब यहाँ हम ये मालूम कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कैसे पॉसिबल है। तो वी सी दैट कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, सॉरी स्ट्रेट लाइन मोशन में है, ठीक है, तो क्या है कि अगर हम इसको सर्कुलर मोशन में लाना है हमने, तो हमें इस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इट इज़ फाउंड कि एक फोर्स जो है वो उसको स्ट्रेट लाइन मोशन से कर्व कर देगा, जिसको हम, और वो फोर्स जो है उस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो जैसे एक एग्जांपल ले लें, आप स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, ठीक है, सबसे अच्छी एग्जांपल हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि एक हम स्टोन ले लें, उसको एक धागे से बांधें और वो धागा हमारे हाथ में है, तो व्हाट विल हैपन, दिस स्टोन विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्सन्स हैंड्स, यहाँ पे हाथ है और वो स्टोन को हाथ से अपने घुमा रहा है, ठीक है, दिस स्टोन इज टेकिंग राउंड। तो अब ये जो स्टोन, अगर यहाँ पे ये जो हाथ से स्टोन को पकड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग, तो दैट हैंड्स, दोज हैंड्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट एक्सटर्नल फोर्स टू दिस बॉडी विच वुड हैव बीन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इफ दैट एक्सटर्नल फोर्स हैड नॉट बीन देयर, ठीक है। अगर ये यहाँ नहीं होता तो ये बॉडी जो है सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन में होती, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता बॉडी का, इट इज़ चेंजिंग इट्स डायरेक्शन हीयर, यहाँ से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है
तो ये डायरेक्शन आया, यहाँ पर बॉडी आ गई, तो यहाँ बॉडी आई तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ बॉडी आ गई तो ये डायरेक्शन ये हो गई. हाउ एम आई फाइंडिंग दिस डायरेक्शन ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज़ एक्चुअली इन अ सर्कुलर मोशन. एक बात तो यहाँ पर ये भी हम मालूम डिस्कस कर लेते हैं. तो देखें, आप सब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और सबने सबको पता है, उसमें ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं आप लोग. सर्कल आपने पढ़ा हुआ है, सर्कल में आपने टेंजेंट भी पढ़ा होगा. टेंजेंट इज़ अ, व्हाट इज़ अ टेंजेंट? टेंजेंट क्या होती है? इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच टचेज अ सर्कल एक्सटर्नली एट अ पॉइंट. ठीक है, जैसे कोई सर्कल ले लें तो हम उसको कहते हैं कि किसी एक पॉइंट पर जो लाइन एक्सटर्नली उसको टच कर रही हो, दैट लाइन इज़ अ टेंजेंट. ठीक है, ये जैसे यहाँ पर टेंजेंट है. तो हम ये देखते हैं कि ये जो हम हर पॉइंट पे जब बॉडी सर्कुलर मोशन पे आ रही है, ले रही है, तो हर पॉइंट पे अगर हम उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन लेना चाहें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी वहाँ पर. तो वो स्ट्रेट लाइन इज़ एक्चुअली द टेंजेंट एट दैट पॉइंट एंड दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, लेकिन उसको क्या कर रहा है, कौन उसको चेंज कर रहा है? दैट एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ बीइंग अप्लाइड फ्रॉम द हैंड्स एट द सेंटर ऑफ दैट सर्कल इन विच दैट स्टोन इज़ बीइंग मूव्ड. ठीक है, अच्छा, अब ये है कि ये जो टेंजेंट है, इसका भी एक रूल है इन ज्योमेट्री कि दिस टेंजेंट इज़ ऑलवेज एट 90 डिग्री विद द रेडियस ऑफ अ सर्कल. ये कहीं भी आप इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इट इज़ एक्चुअली अ थ्योरम कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज़ ऑलवेज 90 डिग्रीज. ठीक है, अच्छा, ये चंद दो छोटी छोटी बातें जो मैथमेटिक्स की हैं यहाँ बताना बहुत ज़रूरी था, जिसको मैं रिलेट बाद में और करूँगी. यहाँ मैंने इतना किया है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो हम उसका किसी भी पॉइंट पे अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन लेना चाहें तो वो हम टेंजेंट से मालूम करते हैं ताकि हम उस पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें और हमें फिर वो स्ट्रेट लाइन जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन देती है. ठीक है, क्योंकि वैसे तो सर्कुलर मोशन में तो नहीं पता चला, सर्कुलर मोशन में तो वो कर्व मोशन में है और थ्रू आउट. लेकिन जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन एक पॉइंट पे बात करते हैं, यानी कि अगर इस पॉइंट पे बॉडी आ गई है घूमते हुए और इस पॉइंट पे आके आपने अगर वो एक्सटर्नल फोर्स ये वाला लगाना छोड़ दिया है तो बॉडी क्या होगी, एंटी क्लॉक वाइज घूमते हुए वो सीधा बाहर की तरफ स्ट्रेट लाइन में बाहर चली जाएगी. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में बाहर क्यों जाएगी? क्योंकि ये इस पॉइंट पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन था जिसको कि इस एक्सटर्नल फोर्स ने अप्लाई करके या उसके ऊपर डोमिनेट होके उसको अपनी तरफ खींच रखा था और ये हर मोमेंट पे इट वाज एक्चुअली पुल्ड इनवर्ड. ठीक है, तो ये जो फोर्स एक बॉडी को थ्रू आउट इट्स मोशन अदरवाइज स्ट्रेट इज पुलिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, यहाँ मैं ये रब कर देती हूँ और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रही हूँ. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? दैट इनवर्ड फोर्स विच इज necessary for a body to be in or for a body for the motion of a body in circular path. ठीक है, is necessary for a body to be in circular motion. ठीक है, centripetal force इसको हम FC से भी denote करते हैं. तो centripetal force इज दैट इनवर्ड फोर्स. इनवर्ड मतलब जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसको हर मोमेंट पे उसके सर्कुलर पाथ में हर मोमेंट में वो फोर्स उसको इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर, इनवर्ड फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल उसको पुल कर रहा होता है तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. ठीक है, और ये किसी भी बॉडी के सर्कुलर मोशन में होने के लिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है. ठीक है, अच्छा, तो अगर हम इसको चेक करें तो ये है कि जब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो दैट मींस के फोर्स अप्लाई हो रहा है. अब हम अगर ये सपोज करेंगे, सपोज देर इज़ अ मैस, देर इज़ अ स्टोन ऑफ सम मैस टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग,
such that that string is that stone is made to move in a circular path. ठीक है, ये उसका सेंटर है यहाँ से. तो वी सी दैट, और ये रेडियस, और वो किस सर्कल में मूव करवा रहे हैं हम उसको, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर. तो इस मोशन के दौरान ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है, वो हाथ लगा रहा है विच इज़ रोटेट, विच इज़ एक्चुअली मेकिंग दैट स्टोन मूव इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो यहाँ जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, इट इज़ ऑलवेज एंड मैंने अभी बताया आपको कि इनवर्ड फोर्स होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो ये अच्छा, अब जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स या फोर्स है, तो ये फोर्स ने फोर्स जो है इट मस्ट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑल्सो. वी हैव स्टडीड इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ. ठीक है ना, पढ़ा था हमने. तो ये जो फोर्स जब लग रहा है, तो यानी कि यहाँ पर एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होना चाहिए, जिसको हम ए सी इसलिए कहेंगे एम एस एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ से. तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है तो हमने एक्सेलरेशन भी सेंट्रीपिटल कह दिया. ठीक है, तो वी सी दैट कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट इज़ एक्चुअली इक्वल टू ये जो एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है इट इज़ गिवन एज वी स्क्वायर ओवर आर. अब ये जो है ना, ये आपको इस वक्त तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन वी एंड इनडायरेक्टली ऑन और इन्वर्सली टू रिलेटेड टू आर. ठीक है, तो ये आपको इसी तरह पढ़ना होगा. इसकी जो वो है रीजनिंग है, ये आपको हायर क्लास में मिलेगी, क्लास इलेवेंथ में ये रीजनिंग आएगी कि ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर कैसे आया. ठीक है, तो वी सी दैट के एफ सी इज़ इक्वल टू एम ए सी फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. और अगर और ए सी जो है इट इज़ फाउंड टू बी इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो वी सी दैट के ए सी की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है हम इस फॉर्मूले में अगर रखें, तो इट वुड बिकम एम वी स्क्वायर ओवर आर. ठीक है, तो ये हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फार्मूला मिल रहा है, एम वी स्क्वायर ओवर आर. ठीक है, आप यहाँ ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो फिर जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो फिर ये यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ. ठीक है, तो ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको कहा था कि कॉन्स्टेंट स्पीड होगी सर्कुलर मोशन में. ठीक है, दैट इज़ फाइन. लेकिन ये जो हम यहाँ एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन ऑन अकाउंट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंटली एट ईच पोजिशन ड्यूरिंग इट सर्कुलर मोशन की वजह से आ रही है. ठीक है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे इस एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसकी वैल्यू एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर हमें मिलती है. तो वी सी दैट कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में होने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स ज़रूर दरकार होता है, और वो किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर ओवर आर. सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मास, वेलोसिटी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच दैट बॉडी इज़ बीइंग मूव्ड. ठीक है, तो ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिला. और यहाँ हमें इस चूँकि फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की भी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन होगी. तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई है. यहाँ पे जो आपको एक बात और बतानी थी, आपकी किताब में जो लिखी हुई है, हाँ, एक बात जो जैसे एग्जांपल में कि मून जो हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है, तो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो उसको कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन में है. तो इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो उसको अपनी तरफ कंटिन्यूसली खींच रहा है, जिसकी वजह से मून जो है इज़ कंटिन्यूसली इन अ सर्कुलर मोशन अराउंड आवर अर्थ. ठीक है, अच्छा, और अब मैं आती हूँ दूसरे टॉपिक पे, दैट इज़ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम आएगा वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी नाम आएगा. ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर इसको रख करती हूँ, ताकि आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी समझाया जा सके. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे कि नाम से भी कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समथिंग, सम फोर्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रीपिटल. यस, डिफरेंट इन द सेंस कि इट इज़ जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन,
टू एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो जहाँ पे भी एक सर्कुलर मोशन में ये अगर स्टोन को आप सर्कुलर मोशन करा रहे थे तो जो एक इसकी एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था टू मेक इट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो वहीं पे एक ये तो था एक्शन जो कि हैंड्स वर डूइंग ऑन द स्टोन और उसको अपनी तरफ खींच रहे थे. तो इसकी वजह से एक रिएक्शन भी होना चाहिए जो कि स्टोन किस पे लगाएगा, हाथ पे लगाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, विच एक्ट्स विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. यानी कि ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन एक सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे 2 न्यूटन है, 3 न्यूटन का सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है तो 3 न्यूटन का ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा ऑन दैट सेम बॉडी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. और ये इसी वजह से ये है कि जिस वक्त इस सर्कुलर मोशन के दौरान सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डोमिनेट कर गया तो ये दिस बॉडी विल स्टॉप यू कैन से मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. इंस्टेड इट विल स्टार्ट मूविंग और इट विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन आउटसाइड दैट सर्कल. ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये सीधे इस पॉइंट पर अगर आपने दिस सेंट्रीपिटल फोर्स को छोड़ दिया यानी कि हाथ से छोड़ दिया आपने तो इट विल बी मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन विच इज़ फाउंड बाय द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट. इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसके मोशन के अकॉर्डिंग आप देखें कि ये आपको डायरेक्शन मिल रहा है तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग दैट बॉडी विल बी मूविंग अवे इन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब यहाँ पे ये यूनिफॉर्म की बात भी आ गई इस तरह से कि ड्यूरिंग द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और जहाँ पे ये दोनों जहर के एफ सी ज़्यादा तो नहीं हो सकता, सेंट्रीफ्यूगल अगर ज़्यादा हो गया तो द बॉडी विल नो मोर बी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन विल स्ट्रेट अवे कम आउट ऑफ दैट सर्कुलर मोशन और सर्कुलर पाथ एंड इट विल मूव स्ट्रेट इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन फाउंड बाय टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट. अगर बॉडी मूव करते हुए यहाँ आ गई है इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ अगर आपने इसका एफ सी जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहे थे इसको आप इनवर्ड खींचने के लिए वो अगर छोड़ दिया तो यहाँ आते आते अब आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करिए तो द बॉडी विल कीप मूविंग इन दिस डायरेक्शन स्ट्रेट अवे. ठीक है, और यहाँ जाके वो स्टोन गिर जाएगा. तो वी सी दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये क्या है, इट इज़ अ रिएक्शन फोर्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्टिंग इन अ बॉडी विच इज़ इन सर्कुलर मोशन. It is a reaction force equal and opposite to centripetal force whenever a body is in circular motion. ठीक है, तो that is about the centrifugal force. अब इसके आगे के articles हम अगले वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे chapter भी finish हो जाएगा आपका. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया.